दोस्तों, अगर गर्मी की सीजन हो और मेहमान आए हुए हो या आने वाले हो तो मीठे में तो हम आम रस बना लेते हैं, साथ में रोटी बना लेते हैं, लेकिन सब्जी कौन सी बनाएं ये हमें थोड़ा चिंता का विषय रहता है। तो आज हम आपकी चिंता दूर करेंगे, क्योंकि आज हम नई सब्जी लेकर आए हैं जो सबको बहुत पसंद आएगी और सबको बहुत भाएगी। तो आज हम बनाएंगे काजू करेले की सब्जी और साथ में ऐसी पतली पतली दो लेयर वाली रोटियां। तो दोस्तों, आइए हम बनाना शुरू करते हैं काजू करेले की सब्जी। तो सबसे पहले दोस्तों, मानल्स कॉर्नर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो हमने ले लिए हैं 300 ग्राम करेले। जो इसमें बीज वाले ना हो वो हमें देखना है, वरना सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। तो हम पहले इनके छिलके निकाल लेंगे। और छिलके निकालने के बाद हम इनके ऐसे लंबे लंबे टुकड़े कर लेंगे, पतले पतले शेप, या आप कोई भी रख सकते हो, लंबा गोल कोई भी शेप आप रख सकते हो, लेकिन ये शेप खाने से काजू के साथ मिक्स हो जाता है ये वाला शेप, तो आप ज़रूर ये शेप ट्राई करना। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक, क्योंकि हमें इसकी कड़वाहट दूर करनी है। ऐसे ही हम बनाएंगे तो बच्चे को कड़वे कड़वे लगेंगे, तो हमें कड़वाहट कम कर देनी है। और इसको 5 मिनट तक ढक्कन लगा कर हम रख देंगे। 5 मिनट के बाद इसको हम ऐसे मिक्स करके प्रेस करेंगे हाथों से, और इनका जो कड़वा जूस है वो निकाल लेंगे। ये जूस आप पी सकते हैं अगर पाए तो। और अब लेंगे एक पेन और इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच तेल। तेल आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे अब थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और इनको मिक्स करके अब इसमें जाएगा ये करेले का टुकड़ा। इनको भी ऐसे हल्का हल्का रोस्ट करेंगे, और हल्दी जब तक मिक्स ना हो जाए तब तक इनको ऐसे हिलाते रहेंगे। और अब को थोड़ी देर ढक्कन लगाएंगे ताकि इसमें भाप लग जाए। और अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इनको भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स। चीनी और धनिया पाउडर ये सब हम अभी नहीं डालेंगे। अब इनको ऐसे फैला के डाल देंगे छोटी 2 कटोरी पानी, और फिर ढक्कन बंद करके 3 से 4 या 5 मिनट तक इनको हम पकाएंगे। तब तक ढक्कन नहीं खोलेंगे। और 5 मिनट के बाद देखिए सब पानी इनका इसमें मिक्स हो गया है। और अब इसमें डालेंगे हम 50 से 60 ग्राम जितना गुड़, और इनको भी ऐसे कर देंगे मिक्स। और फिर ढक्कन लगा देंगे और 2-3 मिनट तक इनको ऐसे ही पकने देंगे। देखिए गुड़ इसमें मेल्ट हो गया है। तो अब नमक हम थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि करेले में हमने नमक डाला था, इसलिए नमक हमें कम डालना है। और ऊपर से डाल दिया 1 2 चम्मच धनिया जीरा का पाउडर, और ढक्कन बंद कर दिया। धनिया जीरा का पाउडर आप बाद में डालेंगे तो इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। और अब ये सब्जी हो गई है तैयार। तो एक छोटी पैन में लेंगे तेल 1 चम्मच, और इनमें डालेंगे काजू, और इनको हम गैस पर कर लेंगे थोड़ी देर रोस्ट। और ये हल्का फुल्का भून गया है, तो अब ये जाएगा करेले की सब्जी में। देखिए कितनी यम्मी टेस्टी लग रही है, अभी से खाने का मन हो गया ना। तो इनको हम कर देंगे ऐसे मिक्स, और गैस कर देंगे बंद, और ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक इनको सिमर होने देंगे। और अब ये हमारी सब्जी हो गई है तैयार। तो घर वाले भी हो गए खाने के लिए तैयार।
तो इनको अब हम परोसेंगे। ये काजू करेले की सब्जी, आम का रस, वो भी हमने तैयार रखा है, और ये दो लेयर वाली रोटियाँ। ये दो लेयर वाली रोटी की शॉर्ट वीडियो हमारे चैनल में है, तो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी बनती है रोटी, और ये आम रस के साथ बहुत टेस्टी भी लगती है और जल्दी बन भी जाती है। तो देखिए हमारी काजू करेले की सब्जी कैसी बनी है, कमेंट में ज़रूर लिखना।